गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि। और आप सब कैसे हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप सबकी नवरात्रि कैसी जा रही है ये भी बताइएगा। तो हमारी तो बहुत अच्छी रही। आज हमारे घर में कन्या पूजन है, तो बस आज कन्याओं को मैंने बुलाया है घर पे। तो साफ़ सफ़ाई वगैरह हमारी हो चुकी है, सारी चीज़ें हमने बाहर भी निकाल दी थी जो हमें निकालनी थी। उसके बाद अब हम चलते हैं किचन में, बनाते हैं माता का भोग। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने चने बॉईल करके रख लिए थे, तो उनको ही तड़का लगाऊंगी मैं यहाँ पर। तो मैंने थोड़ा सा इसमें तेल डाल लिया है, उसके बाद इसमें एक चम्मच ज़ीरा ऐड कर लिया है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। और बस इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से चला देना है, और 2 सेकेंड में ही ये सारी चीज़ें अच्छे से पक जाती है। और बस इसमें मैंने चने ऐड कर दिए हैं, और इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना। आप चाहें तो हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं बच्चों की वजह से नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि उनको तीखा ना लगे। लाल मिर्च भी हमारी ज़्यादा तीखी नहीं है, इसीलिए मैंने उसमें थोड़ी सी डाली है बस कलर के लिए। और यहाँ पर मैंने हरा धनिया कट करके ऐड कर दिया है। और बस इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से चला दें, और बस इसको थोड़ी देर तक आप पकने दें जब तक इसका थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर है वो ख़त्म ना हो जाए। और यहाँ पर अब मैं बनाने जा रही हूँ हलवा। सुबह सुबह बहुत जल्दी होती है जब माता का भोग बनाते हैं, क्योंकि फिर कन्याएं भी आ जाएंगी। तो यहाँ पर बस मैंने 1 कटोरी घी ऐड कर दिया है, और 2 कटोरी इसमें मैं सूजी ऐड करूँगी। तो हमेशा सूजी आप अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि उसमें कभी कभी कीड़े वगैरह भी होते हैं, तो अच्छे से साफ़ करके फिर उसमें ऐड करें। सूजी का जो हलवा होता है उसमें अगर हम थोड़ा सा कम घी भी डालेंगे तब भी वो टेस्टी बन जाता है। ये नहीं कि आपको बराबर बराबर डालना है। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी घी डाला था, तो 2 कटोरी मैंने यहाँ पर सूजी ऐड की थी, तो परफेक्ट बनकर रेडी हुआ था। ऐसा नहीं है कि आपका घी उसमें कम रह जाएगा तो आपका हलवा ड्राई ड्राई बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ था, मैं आपको आगे दिखाई दूंगी। तो बस जैसे ही हमारी सूजी थोड़ी सी भुन जाएगी घी में, उसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। उसके बाद इसे हमें थोड़ा सा और भुनना है, जिससे कि हमारे ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से भुन जाएँ। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही डलता है सूजी के हलवे में, तो मैंने इसमें 4-4.5 ग्लास पानी ऐड किया था। तो ये पकने के बाद थोड़ा थोड़ा थिक भी होने लगता है, आप देखेंगे जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे ये थिक भी हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर चीनी मैंने 2 से 2.5 कटोरी इसमें ऐड की थी, तो आप इतनी डालें, इतनी चीनी ठीक रहती है। कभी कभी क्या होता है चीनी भी कम मीठी होती है। तो बस परफेक्ट बनकर रेडी हुआ था हलवा, मुझे ये लग रहा था कि कम मीठा ना रह जाए। और बस अब हमारा हलवा बनकर रेडी हो गया है, और इसको मैं कवर कर दूँगी। तो हमारे यहाँ ऐसे ही पसंद करते हैं, तो मैं इसको अब कवर करके रख दूँगी। तो कवर करने के बाद भी ये थोड़ा सा ड्राई हो ही जाता है। अब यहाँ पे मैं तैयार कर लेती हूँ पूरियाँ। तो मैं पूरियाँ तलने की तैयारी कर रही हूँ, तो तेल मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद अब मैं 2 से 3, 3, 4, 4 ऐसे पूरियाँ निकालूँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि बस बच्चे आने ही वाले हैं। तो 8:30 हो गए थे, और मेरा भोग भी बनकर तैयार हो गया था, और मैंने पूजा वूजा भी कर ली थी। और यहाँ पर बच्चे भी सारे आ चुके हैं, जो बच्चे नहीं आ पा रहे थे अकेले उनको जाके हस्बैंड मेरे ले आए थे। और बस यहाँ प्यारी प्यारी कन्याएं हमारी आ गई हैं, और आप सबको हेलो बोल रही हैं। तो बस यहाँ पर सब बैठ भी गई हैं कुछ, और बस मैं अब पूजा स्टार्ट करूँगी अपनी। और यहाँ पर देखो कितनी क्यूट क्यूट सी आई हैं, और एक लंगूर भी बुला लिया हमने। तो कहते हैं एक जो लड़का होता है वो लंगूर कहा जाता है ऐसे। तो बस यहाँ पर मैंने पूजा भी शुरू कर दी थी, तो जो पहले मैंने पैर वैर पूजे थे, तेल वेल लगाया था, तो वो क्लिप शूट नहीं हुई थी। तो बस यहाँ पर अब मैं सबकी आरती उतार रही हूँ, टीका कर रही हूँ।
यहाँ पर मैंने टीका वगैरह कर दिया है, अब बस इनकी थाली लगाऊंगी मैं यहाँ पर। तो कहते हैं स्टील के बर्तन में ही खिलाना चाहिए, तो इसीलिए मैं इसमें खिला रही हूँ। और बस यहाँ पर मैं सबको खाना खिला रही हूँ, और मेरे हस्बैंड वहाँ पे पूरियाँ निकाल रहे हैं किचन में, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मेरी, और हमेशा ही जब भी कुछ घर पे ऐसे काम वगैरह होता है तो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और आज उनका बर्थडे भी है और मैंने उनको काम में लगा रखा है, क्या करूँ, सिर्फ हम ही दोनों हैं करने वाले, तो अकेले मैनेज नहीं हो पाता है कि मैं अकेले सारा काम कर लूँ। जिनके घर में दो तीन लेडीज़ होती हैं तो फिर अच्छा रहता है, मेरे घर में तो सिर्फ अकेली मैं ही हूँ, कोई बताने वाला भी नहीं है, कोई हेल्प कराने वाला नहीं है, तो यही है, यही मेरी हेल्प कराते हैं। और बस यहाँ पर मैं सबको खिला रही हूँ, तो बहुत अच्छे से सब खा रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद अभी मेरे हस्बैंड आएंगे तो उनसे मैं गिफ्ट दिला दूँगी, और फिर रात को उनके बर्थडे की भी तैयारी करनी है। तो मैंने आज उनके कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया है और उनके कुछ दोस्तों को बुला लेंगे, और बस हम छोटी सी पार्टी कर लेंगे। तो यहाँ पर सब बच्चों ने विश भी कर दिया अच्छे से, और बस अब सब ने खा भी लिया है, तो बस सबको गिफ्ट्स देंगे और उनसे अच्छे से आशीर्वाद लेंगे। तो यहाँ पर सबको गिफ्ट्स वगैरह हमने दे दिए और सब बहुत खुश हैं, और ये है क्वीन, तो ये भी बहुत खुश है, आज बहुत अच्छे से मज़े कर रही थी। और बस अब सब अपने अपने घर जा रही हैं और आप सबको बाय बोल रहे हैं। कुछ की तो ऑनलाइन क्लासेस भी हैं इसलिए वो लेट भी हो रहे थे, इसीलिए मैंने पहले ही आज इनको बुला लिया था 8:30 बजे ही, कि 9 बजे से पहले फ्री हो जाएं तो अपने अपने क्लास अटेंड कर लेंगे। तो बस हमारी कन्याएं अब विदा हो रही हैं, इनको अच्छे से मैं विदा कर दे रही हूँ और बाहर तक छोड़ने जा रही हूँ। तो ये था मेरा आज का वीडियो गाइस कन्या पूजन का, आई होप आप सबको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और इनके बर्थडे वाला व्लॉग भी देखिएगा, वो भी मैं डालूँगी।